कोविड काल में बंद हुई ट्रेन तो पटरी पर आ गई, लेकिन रेलवे अभी तक पटरी पर नहीं आया है। रोज नई गाइडलाइन, नई ट्रेन शुरू होने और समय में बदलाव से प्रबंधन और संचालन में दिक्कतें आ रही हैं। आपको बता दें कि आरक्षित यात्रियों को ही ट्रेन में यात्रा की सुविधा है। जानकारी के अभाव में यात्री भी परेशान हो रहे हैं। बार बार समय बदलाव से भी यात्रियों की परेशानी बढ़ रही है। कोविड काल से पूर्व यात्रियों से आबाद रहने वाला खंडवा जंक्शन अब सुनसान रहने लगा है। बहुत कम यात्री प्लेटफार्म पर नजर आ रहे हैं, यहाँ तक कि फुट ओवर ब्रिज भी सूना नजर आता है, तो ट्रैक भी खाली खाली रहता है। डिप्टी स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि कोविड गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ से स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। अप डाउन में करीब 50 ट्रेनें यहाँ से गुजर रही हैं। इसमें कई बार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जानकारी के अभाव में रेलवे को भी दिक्कत होती है। खंडवा से ब्यूरो प्रीतम लखवाल की रिपोर्ट। अगर मैं क्योंकि अभी क्या मैंने जो प्रॉपर जो एम्प्टी ब्लॉक भी बना नहीं, हर दिन एक दो करके स्पेशल ट्रेन एक्स्ट्रा बना रहे हैं और फिर उसको एक दो दमंग भी कर दे रहे हैं, तो जैसे जैसे गाड़ियाँ आते रहते हैं हम लोग को मालूम चलता है। इसे हम लोग के पास पहले से मैंने बहुत ही कम मैसेज आता है, जितने भी आते हम लोग तुरंत उसको सर्कुलेट कर देता हूँ। फिर भी परेशानी हो रही है अभी फिलहाल, और जब तक पूर्ण रूप से पूरा टाइम टेबल ना आए तो कुछ कहना मुश्किल है। फिलहाल हमारे पास जो टाइम टेबल है उसमें भी बहुत सारा बदलाव हो गया है, ठीक है। तो रिजर्वेशन को लेके जो है कि रिजर्वेशन में कभी कंफर्म की दिक्कत रहती है, तो फिर जो यात्री अगर कंफर्म नहीं है तो वो यात्रा कैसे करते हैं? नहीं कंफर्म क्या अभी क्या फिलहाल कोई भी वेट लिस्टेड पर्सन को अलाउ नहीं कर रहे हैं। अगर वेट लिस्टेड पर्सन जब यात्रा नहीं कर पा रहा तो उनको पूर्ण रूप से काउंटर से टिकट लिया, बुकिंग काउंटर से टिकट लिया है तो हम उसको पूर्ण रूप से फुल रिफंड कर रहे हैं, या ऑनलाइन टिकट लिया वो भी ऑनलाइन ऑटोमेटिकली रिफंड हो रहा है उनके अकाउंट पे, ठीक है। अगर कन्फर्म नहीं है और वेट लिस्ट पर्सन नॉट अलाउड टू है कन्फर्म कर जाने, अच्छा तो हम उनको रिफंड कर दें। और कोई अगर इमरजेंसी ऐसे कोई केस है बहुत ही ज़रूरी है तो उनका हम स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे करके हम लोग व्यवस्था करके टीसी द्वारा करके कभी कभी अलाउ करते हैं, लेकिन अदरवाइज नॉट अलाउड वेट लिस्ट पर्सन। कोविड गाइडलाइन के अनुसार अपने स्टेशन पे क्या वो सारे मापदंड अपनाए जा रहे हैं? जैसे एक यात्री हमारे वहाँ पे एंट्रेंस जो है मुख्य रूप से वहीं पर सब कुछ चेकिंग वगैरह हो रहे हैं, जो जो मापदंड रखा गया वो सब फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, बट पब्लिक है मैंने 100% क्या बताए 100% ऑब्जर्व करने और फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, पर हमारे तरफ से पूर्ण रूप से जो गाइडलाइन फॉलो किया जा रहा है। अच्छा, टोटल अभी कितनी ट्रेनें गुजर रही हैं? टोटल अभी कुल मिला के हर दिन एक एक शिफ्ट में लेने करके 12-15 करके गाड़ियां जा रही है, तो आप उस हिसाब से 30-35 से ऊपर ही मान के चलिए, एक साइड का दोनों साइड का तो चलिए 50 अब मान के चलिए 50 दोनों तरफ का। हाँ अब तो इसमें रोज नए नियम आ रहे हैं, जैसे नया कुछ रोज नया नियम नहीं आ रहे, गाड़ी कुछ नया इंट्रोड्यूस हो रहा है जिसके बारे में पब्लिक को भी उतना जानकारी नहीं है, और हमारे पास में पहले से इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण भी कुछ असुविधा हम लोग भी फेस कर रहे हैं। अच्छा, जैसे यात्रियों को अगर ट्रेन के बारे में जानकारी करनी है तो वो तो या तो ऐप का सहारा लेता है या फिर हाँ बिल्कुल, अभी तो मैंने क्या बताया नेटवर्किंग सोशल मैसेज मिल रहा है उनका सोशल नेटवर्किंग द्वारा, या फिर हमारे पास में भी कोई आ रहा है तो हम भी हमारे तरफ से जितना संदेश मैसेज है हम बिल्कुल उनको बता रहे हैं, गाइड भी कर रहा हूँ ताकि कम से कम उनको असुविधा हो, हम बिल्कुल उनके सहायता कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर से नेट में ऑनलाइन टीएससी माध्यम से हमको प्रॉपर जानकारी मिल रहे हैं, फिर भी कभी कभी मिसगाइड भी हो रहे हैं पैसेंजर्स। अच्छा अच्छा, हम अभी 100% बोलूँगा नहीं, वो लोग पूरा सब कुछ सुविधा मिल रहे हैं क्योंकि उनको भी सुविधा सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, तो आपका शुभ नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम सुब्रत कुमार मंडल, डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर खंडवा जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।